भारत में कई अनोखी बातें और रहस्य छुपे हुए हैं और आज हम आपको एक ऐसी अनोखी जगह के बारे में बताने वाले हैं जहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। आखिर यहां होता क्या है, ये लोग यहां क्यों पहुंचे हैं? बहुत सारे सवाल यहां पर ऐसे हैं जिनका कि हम आज जवाब ढूंढने आए हैं। एक अलग तरह का संगीत, ढोलों की थाप, उस पर थिरकते बाबा और फिर खुद पर लोहे की जंजीर से वार, ये नजारा देखने में बिल्कुल अलग लगता है। कई लोग सोच रहे हैं आखिर ये बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ये सब हो रहा है भारत के मध्य प्रदेश स्थित एक गांव में, जिसे देखकर आप कह देंगे आखिर ये है क्या। बेहद तेज चिलचिलाती धूप में, जबकि पारा 50 डिग्री से भी ऊपर है, यहाँ हजारों लोग जमा है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? यहाँ तो ये बाबा इस धूप में खुद को जंजीरों से अपनी पीठ पर जख्म दे रहे हैं, तेज तेज कूदते हुए कुछ बोल भी रहे हैं। ये सब समझना समझ के परे था। इसी तरह तेज चलते चलते और कुछ बोलते हुए अब बाबा मंदिर की ओर जा रहे हैं। मंदिर में जाने के बाद कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि इस मंदिर में उन बाबा को कोई शक्ति मिल रही है। इन बाबा का नाम है नाथूलाल खंडोर, ये इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। मंदिर से ढोल बाजों के साथ अब ये किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर लोग इनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। किसी से पूछने पर उन्होंने बताया कि अब बाबा भविष्यवाणी स्थल की ओर जा रहे हैं। हम यह देखकर चौंक गए कि भविष्यवाणी और बाबा इसमें क्या ताल्लुक है। हम भी उनके साथ चलकर उस भविष्यवाणी स्थल के लिए रवाना हो गए। यहाँ पर इंतजार कर रहे लोगों की इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है, क्योंकि बाबा इस स्थल पर पहुंच रहे हैं। बाबा एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े होते हैं और फिर अपनी स्थानीय भाषा में बताते हैं। लोग इसे कहते हैं भविष्यवाणी, यानी वह सच जो आगे होने वाला है, यानी देश और प्रदेश के किसानों का भविष्य अब इस भविष्यवाणी पर ही निर्भर होगा। इस हुजूम को देखकर समझा जा सकता है कि इन लोगों का इन बातों पर कितना विश्वास है। भारत में स्थित ये गांव है उज्जैन मध्य प्रदेश का गोठना गांव। यहाँ इस नदी के तट पर विराजी है माँ महिषासुरी, जहाँ इनका एक भव्य मंदिर बना हुआ है। नागूलाल खंडोर हर साल रामनवमी के बाद भविष्यवाणी करते हैं, जिसे सुनने के लिए एक बार में लगभग 50,000 लोग यहाँ पहुँचते हैं। ये प्रतिवर्ष होता है यहाँ पे, गोठला माता जी के नाम से भविष्यवाणी होती है। माता जी आती है, एक पंडा जी यहाँ मंदिर में रहते हैं नागूलाल जी करके, उनके द्वारा साल की पूरी गतिविधियाँ, फसलों के बारे में, राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में अनेक भविष्यवाणियाँ होती है। मध्य प्रदेश के मालवा के इस गांव में 100 वर्षों से इस तरह की भविष्यवाणी होती आ रही है और इसे सुनने के लिए हर वर्ष देश भर के हजारों लोग यहां पहुंचते हैं। इस भविष्यवाणी में बाबा जो कहते हैं उसी के आधार पर किसान खेती करने का निर्णय लेते हैं। और आश्चर्य की बात यह है 100 वर्षों से ये सारी भविष्यवाणियां सच होती आ रही है। इसे देखकर ही लगता है कि भारत विविधताओं का देश है।